हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जेसी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम द हिंदू में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए थे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, बुलेट ट्रेन प्लान स्टॉल्स ऑन लैंड रो। बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है इंडिया में, वो अभी लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होने के कारण रुका हुआ है। लैंड एक्विजिशन के चलते महाराष्ट्र के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नाम है इसका, सिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से लेके अहमदाबाद गुजरात तक प्रस्तावित है। और इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHRCL, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह कार्य करेगा। और इस प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है, वो लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जापान गवर्नमेंट से मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट को 0.1% के इंटरेस्ट पे, और इसे 50 सालों में वापस करना है। इस प्रोजेक्ट को 2020 तक कंप्लीट करने के लिए सोचा गया है। इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा? इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 15 लाख जॉब क्रिएट होंगे इंडिया में। और इसमें स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड लगभग 320 से 350 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें टाइम भी कम लगेगा। अभी मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी 8 घंटे में तय होती है, तो बुलेट ट्रेन के आने से ये सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट होगा। तो ये था बुलेट ट्रेन से रिलेटेड, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था, वो सारा पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट है, सिटी रिकॉर्ड वर्स्ट पोस्ट दशहरा एयर क्वालिटी इन 4 ईयर्स। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया है, वो बहुत ही बुरा है अभी के 4 सालों में। देखिए, जब पर्टिकुलर मैटर का लेवल बढ़ता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल कम होता है। यहाँ पे न्यूज़ में कलर बैंड दिया हुआ है, रीडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेज़र किया जाता है। देखिए, जब रीडिंग 0 से 50 के बीच होता है, तो गुड माना जाता है। 51 से 100 के बीच सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 के बीच मॉडरेट, 201 से 300 के बीच पुअर, 301 से 400 के बीच वेरी पुअर, और 401 से ज़्यादा होने पे सीवर। तो ये कलर बैंड है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें बात किया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? इसे एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली और NCR में लागू किया जाता है। इसे अधिसूचित किसने किया था? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। जब पॉल्यूशन का जो क्वांटिटी है एक लेवल तक पहुंच जाता है, तब इस एक्शन प्लान को दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस एक्शन प्लान को तैयार कौन करता है? तैयार करता है इस एक्शन प्लान को EPCA। EPCA मीन्स एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ये एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंडेटेड बॉडी है, जिसे कब बनाया गया था? इसे 1998 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था, और इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाया गया था। तो यह है EPCA, जो कि एक्शन प्लान तैयार करता है। अब देखिए, जब रीडिंग 400 से ज़्यादा हो जाता है, तब जो सारा एक्शन प्लान है, वो CPCB के द्वारा मेंटेन किया जाता है। CPCB क्या है? CPCB है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका गठन 1974 में किया गया था। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब सांविधिक संगठन है, जिसे एक एक्ट के तहत बनाया गया था। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? इसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत बनाया गया था, और इसे कार्य और शक्तियाँ भी मिली हैं। तो इसे कार्य और शक्तियाँ जिस एक्ट के थ्रू मिला है, वो एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एक बार फिर से सुन लीजिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो इस एक्ट के थ्रू इसे कार्य और शक्तियाँ मिला हुआ है।
ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को भी हेल्प करता है। कौन से एक्ट के थ्रू हेल्प करता है? ये एनवायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1986, सॉरी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को हेल्प करता है। और इसके वर्क का क्या क्या है, सीपीसीबी कौन कौन से कार्य करता है? ये सफाई को प्रमोट करता है, प्रमोट क्लीनलीनेस, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एयर, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो ये था हमारा सारा न्यूज़ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारा देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, एयर पॉल्यूशन वीकेंस योर बोन्स सोज रिसेंट स्टडी। देखिए 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? देखिए जब बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बोन डेंसिटी जब डिक्रीज होता है तो ये कंडीशन या ये डिसीज कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है वो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जब जो ये डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एक बार बोन वीक हो जाता है या बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है तो बोन डेंसिटी डिक्रीज होने के बाद इसमें हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? बैक पेन, फ्रैक्चर, लॉस ऑफ हाइट, ये तीन सिम्टम्स हमको इस डिजीज़ में दिखाई देते हैं। बैक पेन होता है या फ्रैक्चर्ड होता है या हाइट में हाइट कम होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब ये जो डिजीज़ है वो मैन में कब ज़्यादा रिस्क, मैन में इस डिजीज़ के लिए कब ज़्यादा रिस्क का समय होता है? जब एज ऑफ 50 to 55 होता है तब इस डिजीज़ के लिए मैन है वो ज़्यादा रिस्क हो, मैन के लिए ज़्यादा रिस्की होता है। और वुमेन के लिए कब होता है ये? जब वुमेन अबव 50 ईयर्स की होती हैं तब उनके लिए इस डिजीज से रिलेटेड रिस्क बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 50 ईयर्स के बाद वुमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। जब 50 ईयर्स से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन जब ज़्यादा था तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो था वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवर देता है बोन कार्टिलेज को, जिसके कारण ये डिजीज़ होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन कम होना स्टार्ट होता है तो वैसे ही जो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ है उसके बढ़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए 50 ईयर्स के बाद वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। चलिए तो ये था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 8 new Zika cases इन राजस्थान, टोटल नाउ 170। देखिए अभी जीका वायरस का जो केस है वो राजस्थान में फिर से देखा गया है। ये जो ये न्यूज़ तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो जीका वायरस है वो और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, जो जीका वायरस है वो उसका वायरस ट्रांसमिट होता है एडिस एजेप्टी मॉस्किटो के थ्रू। किसके थ्रू? एडिस एजेप्टी मॉस्किटो के थ्रू। सबसे पहला मामला जीका वायरस का 1952 में आया था। 2007 तक ये केवल अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में था, लेकिन 2007 के बाद ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ। इंडिया में इसका पहला मामला आया था अहमदाबाद में 2017 में, और इसका दूसरा मामला आया 2017 में ही तमिलनाडु में। देखिए इसके कारण क्या क्या होता है, इसके कारण फीवर, स्किन रैसेस होते हैं और मसल्स और जॉइंट पेन होता है। तो इसके सिम्टम्स हैं। अब देखिए अगर जीका वायरस से अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्टेड है तो जो उसका इन्फेंट होगा या जो न्यू बर्न होगा उसको माइक्रोसिफेली नामक डिजीज़ हो जाता है। ये माइक्रोसिफेली में होता क्या है, इसमें जो न्यू बर्न का हेड होता है, बेबी का हेड होता है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो इसलिए ये जो जीका वायरस है वो प्रेग्नेंट वूमेन के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। 2016 में इसे WHO ने बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ घोषित किया था,
WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था जीका वायरस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ है INS विक्रमादित्य कम्प्लीट्स ₹705 करोड़ रिफिट। देखिए ये न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो INS विक्रमादित्य है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। INS विक्रमादित्य जो है वो INS विराट के बाद सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो बहुत बड़ा है। तो इंडिया में दो एयरक्राफ्ट कैरियर, फर्स्ट था INS विराट और अभी सेकेंड है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य को 2008 में नौसेना में शामिल किया गया। सबसे पहले ये 1987 में रूसी नौसेना में शामिल किया गया था, तब इसका नाम बाकू था। जब 1987 में इसे रूसी नौसेना में शामिल किया गया था तब इसका नाम बाकू था, और उसके बाद 2008 में इसे इंडियन नौसेना में शामिल किया गया। 2004 में रूस और भारत के बीच समझौता हुआ था इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और ये जो एयरक्राफ्ट है INS विक्रमादित्य वो 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और एक दिन में ये लगभग 600 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर सकता है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट INS विक्रमादित्य से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है वाटर फ्लो केसेस इन अरुणाचल सियांग। देखिए सियांग जो रिवर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सियांग रिवर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए जो तिब्बत से सांगपो रिवर आता है वही अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर कहलाता है। तिब्बत का सांगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर कहलाता है, और जब सियांग रिवर और दो रिवर से मिलती है तब ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है जो असम की तरफ बहती है। जब सियांग रिवर दो और रिवर से मिल जाती है तब ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है और असम की तरफ बहती है। तो ये था इस न्यूज़ में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है PM टू अनवेल नेशनल पुलिस मेमोरियल टुडे। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट नेशनल पुलिस मेमोरियल इस्टेब्लिश किया। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पुलिस मेमोरियल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? न्यू दिल्ली में। इसमें इतना ही बात हमारे लिए जाना ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रेड फोर्ट टू विटनेस अनदर फ्लैग होस्टिंग्स। रेड फोर्ट टू विटनेस अनदर फ्लैग होस्टिंग। इस न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट था उसका 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट या आज़ाद हिंद फौज, उसका 75th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और जो आज़ाद हिंद फौज था वो कंट्री का पहला इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट था, कंट्री का पहला इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट था जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 में। कब गठन किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 में। और कहाँ पे इसका गठन किया गया था? सिंगापुर में। सिंगापुर में इसका गठन किया था। तो ये था इससे रिलेटेड न्यूज़। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ढाका फेसेस रोहिंग्या आयर ऑन शिफ्ट प्लान। ये न्यूज़ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर हम जान लेते हैं कि रोहिंग्या कौन है। देखिए रोहिंग्या जो है वो म्यांमार के निवासी थे जो कि पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे, लेकिन जो वहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध जो हैं वो रोहिंग्यास को वहाँ के निवासी नहीं मानते हैं। और 2012 में म्यांमार में भीषण दंगा हुआ था, तो उस समय से लेके अब तक जो रोहिंग्याज हैं वो स्टेटलेस हो गए, मतलब म्यांमार उसको अपना नागरिक नहीं मानता और वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। तो वो लोग वहाँ से आकर यहाँ बांग्लादेश में बसे थे। वो लोग बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में जो कॉक्स बाजार है वहाँ पे लगभग 13 लाख रोहिंग्या रहते हैं। तो रोहिंग्या के बारे में हमने क्या देखा? रोहिंग्या जो है वो
म्यांमार में रहते थे, कहाँ पे? पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत में। और अभी वो लोग कहाँ पे आए हैं? बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में स्थित कॉक्स बाजार में। तो ये था इससे रिलेटेड न्यूज़। आगे देखते हैं, लार्जेस्ट गैलेक्सी। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स के इंटरनेशनल टीम ने एक लार्जेस्ट गैलेक्सी या सुपर क्लस्टर को डिस्कवर किया है, जिसका नाम क्या है? हाइपर आयन। क्या नाम है सुपर क्लस्टर का? हाइपर आयन। इस न्यूज़ में बस इतना ही जानना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एनसीआर डेवलप सिस्टम टू एस्टिमेट प्रेडिक्ट फ्लडिंग विद इन चेन्नई। देखिए, 2015 में चेन्नई में बाढ़ आया था, जिससे लगभग 18 लाख लोग प्रभावित हुए थे। मतलब ये जो आपदा आई थी वो बहुत बड़ा था। इसके कारण एनसीसीआर और आईआईटी ने मिलकर एक फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया है। कहाँ बनाया है? चेन्नई में। ये एनसीसीआर है क्या? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। इसने और आईआईटी ने मिलकर फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया है चेन्नई में, जिसका नाम क्या है? सी फ्लो। सी फ्लो मतलब चेन्नई फ्लड वार्निंग सिस्टम। इससे क्या होगा? इससे बारिश से 10 से 12 दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बारिश कितना होना है, क्या होना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? बाढ़ को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसलिए ये सिस्टम को बनाया गया है। क्या नाम है सिस्टम का? सी फ्लो, चेन्नई फ्लड वार्निंग सिस्टम। किसने बनाया है? एनसीसीआर और आईआईटी ने मिलकर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, चैलेंजिंग द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमको जानना ज़रूरी है कि मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज़ 2018 का दिया गया है, वो लोगों को दिया गया है। कौन से दो लोगों को दिया गया है? जेम्स पी एलिसन और तासुकु होन्जो। जेम्स पी एलिसन और सेकेंड तासुकु होन्जो को किस लिए दिया गया था इनको? क्योंकि इन्होंने कैंसर थेरेपी के लिए मेडिसिन बनाया था। कैंसर थेरेपी के लिए मेडिसिन बनाया था। चल नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, यूरोप जापान सैन स्पेस क्राफ्ट ऑन 7 ईयर जर्नी टू मरकरी। यूरोप और जापान ने मिलकर एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है मरकरी में। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है? बेबी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट। बेबी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट, और इसे 7 सालों के लिए भेजा गया है। तो इतना याद रखिएगा। तो ये था आज का न्यूज़, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। हो सके तो आप लोग प्लीज़ इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।